गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो सामने आया है, जहां ओडिशा का बताया जा रहा सीसीटीवी फुटेज उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। 11 अप्रैल का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है गुड्डू मुस्लिम को कई गैंग की मदद से फरारी काट रहा है गुड्डू मुस्लिम। तो एक के बाद एक लोकेशन सामने आ रही है और एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है किस तरह से अलग अलग लोकेशन बदलता हुआ गुड्डू मुस्लिम नजर आ रहा है। तो कई गैंग की मदद बताई जा रही है जिसकी वजह से वो फरारी काट रहा है। ओडिशा का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, 11 अप्रैल का बताया जा रहा है ये सीसीटीवी फुटेज, जहां गुड्डू मुस्लिम साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए एक के बाद एक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन सामने आ रही है और एक के बाद एक वीडियो भी सामने आ रहा है कि किस तरह से बार बार लोकेशन बदलता हुआ गुड्डू मुस्लिम नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कई अन्य गैंग भी इसमें शामिल होते हुए, जिसकी वजह से वो फरारी काट रहा है। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं ऋतु की, जिस तरीके से 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस समय देखा गया था कि गुड्डू मुस्लिम और बमबाज गुड्डू किस तरीके से बेखौफ होकर बम चलाता हुआ नजर आया था। हालांकि उस घटना के बाद से लगातार गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा, जिसके बाद पुलिस को और UPSTF को कई ऐसे इनपुट मिले कि जहाँ पर गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ट्रेस की गई। हालांकि जब वहाँ पर STF और UP पुलिस की टीमें पहुंची, तब तक गुड्डू मुस्लिम उस लोकेशन से फरार हो चुका था, चाहे वो कानपुर हो, मेरठ हो, दिल्ली हो, गोवा हो। अब उड़ीसा से एक वीडियो सामने आया है, 11 अप्रैल का यह वीडियो बताया जा रहा कि किस तरीके से बेखौफ होकर उड़ीसा में गुड्डू मुस्लिम घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है कि गुड्डू मुस्लिम की मदद करने वाले कई और गैंग हैं जो कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन बदलने में उससे उसकी मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी पैसे से भी मदद की जा रही है, जिसके कारण गुड्डू मुस्लिम एक के बाद एक तमाम प्रदेश बदलता हुआ उड़ीसा पहुंचा। और बीच में सूचना आई थी कि उड़ीसा से गुड्डू मुस्लिम की जो लोकेशन है वो कर्नाटक में है। ऐसे में यह वीडियो सामने आया जिससे यह पुख्ता हो जाता है कि गुड्डू मुस्लिम कहीं ना कहीं उड़ीसा में कुछ दिनों तक रुका है। तो ऐसे में UPSTF की में उड़ीसा में भी लगातार उन जगहों पर दबिश दे रही है जहां पर गुड्डू मुस्लिम रुका था, जिन लोगों से संपर्क में था उनकी भी लोकेशन ट्रेस करने का काम UPSTF की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि UPSTF और प्रयागराज पुलिस कब तक गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करती है, क्योंकि जिस तरीके से मरने से पहले अतीक के भाई अशरफ ने कहा था कि दरअसल बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम उसी दौरान उसको गोली लगती है। हालांकि दोनों ने रिमांड के दौरान पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे किए थे कि चाहे वो ISI से जुड़ा हुआ मामला हो, उनसे जुड़े हुए जो कार्य होते थे उसको हैंडल करने का काम गुड्डू मुस्लिम करता था, साथ ही साथ जिगाना और गिरसान में पिस्तले जो हिंदुस्तान में प्रतिबंधित हैं उनको कहां सप्लाई करना है, किनसे खरीदना है, उसकी भी पूरी जानकारी गुड्डू मुस्लिम के पास है। उसके अलावा जिस तरीके से कश्मीरी दहशतगर्द हैं उनसे भी संपर्क होने की बात अतीक और अशरफ ने स्वीकारी थी, उनके बीच में जो पैसे का लेन देन होता था हवाला के जरिए गुड्डू मुस्लिम कराता था। तो ऐसे में गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी सबसे मेन कड़ी है कि कब तक गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के बाद गुड्डू मुस्लिम क्या कुछ अहम राज खोल सकता है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक और अशरफ के जरायम की दुनिया का ताज का वो पत्ता है जो कहीं ना कहीं पूरे जरायम की दुनिया के राज खोल सकता है, क्योंकि इसमें छोटा शकील और छोटा राजन के भी नाम सामने आए थे। अंडरवर्ल्ड से भी संपर्क होने की बात अतीक और अशरफ की निकलकर सामने आई थी, उसके अलावा लश्कर ए तैयबा से संपर्क भी होने की बात सामने आई थी। तो ऐसे में गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए एक के बाद एक गुड्डू मुस्लिम की ये लोकेशन सामने आ रही है। ओडिशा से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां कई गैंग की मदद से किस तरह से गुड्डू मुस्लिम बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है, अपना क्षेत्र बदल रहा है और लगातार पुलिस और STF इसकी तलाश कर रही है।